तो देखिए हम लोग अभी अभी स्कूल घर जा रहे हैं। चैनल कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, हम सब भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स आज है वेडनेसडे और आरुषि जो इतने दिनों से जो मॉडल बना रही थी तो आज आखिर उसका दिन आ ही गया है। तो आज है आरुषि के साइंस मॉडल एग्जीबिशन। हाँ तो आज आरुषि का जो साइंस मॉडल एग्जीबिशन है तो वो आरुषि के स्कूल में नहीं है, दूसरी स्कूल में। तो वो स्कूल भी हमारे घर के पास ही है, एकदम पास भी नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा दूरी है। तो अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, आरुषि भी चढ़ा रही है शंकर जी को पानी। तो देखिए आरुषि अभी शंकर जी को जल चढ़ा रही है। टीका लगा दूं अभी। तो अभी शंकर जी का श्रृंगार कर रही है। छोटा सा ही है, लो ठीक है। अच्छी आओ पापा की बस अच्छी वाली है, ले लो ये वाली। तो देखिए हम लोग स्कूल पहुंच गए हैं और जब हम निकले ना तो मुझे पता था कि ये स्कूल कहाँ पे है, तो मैं वहीं पे लेके गई इनको। तो पता चला कि वो जो स्कूल है वो बंद हो गया है ना, ये स्कूल जहाँ पे पहले थी ना तो वो बंद हो गई है और यहाँ पे ये शिफ्ट हुई है, तो ये नई बिल्डिंग बनी है। तो पुरानी वाली बहुत छोटी थी, तो जब हमने ये स्कूल को देखा तो देखते रह गए क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी थी ना, और ये गवर्नमेंट स्कूल है तो ये देखा ना तो इतनी अच्छी गवर्नमेंट स्कूल, तो देखते रह गए। तो ये जो एग्जीबिशन है ये तालुका स्तर पे था, तो हर स्कूल के बच्चे आए हुए थे। तो बहुत सारे मॉडल थे, तकरीबन 90 के अराउंड मॉडल्स थे। तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे एंट्री हो रही थी, यानी सब बच्चों को टोकन दिए जा रहे थे, कूपन थे सबके। तो जैसे जैसे बच्चे आ रहे थे वैसे वैसे उनको कूपन मिल रहे थे, यानी वैसे वैसे उनको टेबल मिल रहे थे। तो फिर आरुषि आई तो उसको 45 नंबर का टेबल मिला,
टेबल रखे हुए थे, वहाँ पे कूपन मिला उसको, तो वो हमने उसके टेबल पे लगा दिया था। और एक ही क्लास में नहीं था, बहुत सारी क्लासेस में लगाया गया था। और आज बच्चों को छुट्टी दी गई थी, ये स्कूल के बच्चों को छुट्टी थी आज। तो देखिए हर स्कूल के बच्चे थे, अलग अलग जगह से बच्चे आए हुए थे। और आरुषी ने और उसकी फ्रेंड दोनों मिलकर चार्ट बनाया था, तो अभी चार्ट लगा रहे हैं बैक साइड में। इन्हें जो गेस्ट आएंगे पहले उनको चार्ट पढ़ के बताएंगे, बाद में जो इन्फॉर्मेशन होती है जो मॉडल के बारे में वो दी जाएंगी। तो जो आरुषि का मॉडल है वो इको फ्रेंडली मटेरियल पे बना हुआ था, इम्पोर्टेंस ऑफ सोलर पैनल के बारे में बताना था, तो उस तरीके का उन्होंने बनाया था। तो जब हम स्कूल के लिए लिख रहे थे तो आरुषि की टीचर का फ़ोन आया कि आप लोग पहुंच रहे हो क्या, तो हम बस पहुंच ही गए थे। और जो ये ग्रीन साड़ी में खड़े हैं तो ये आरुषि की टीचर हैं, तो वो बता रहे हैं कि कैसा करना है। और सभी स्टूडेंट के साथ उनके टीचर्स लोग थे। तो देखिए अब आरुषि जो चार्ट है वो चिपका रही है। और तो बस आरुषि का सेटअप कर दिया और अब हम लोग घर के लिए निकल गए। तो ये वो स्कूल है जहाँ पे आरुषि का जो एग्जीबिशन है वो लगा हुआ है। तो एग्जीबिशन शाम को 4 बजे तक ख़त्म होगा। तो अभी हम स्कूल में आरुषि को छोड़ रहे हैं और अब हम लोग घर जा रहे हैं। अभी गेस्ट आएंगे यहाँ पे सारे, देखिए कितने सारे, ये सारे टीचर स्टाफ है। अभी गेस्ट आएंगे, उनका स्वागत होगा। तो अभी घर आ गई हूँ और ये फूल तोड़ लिए। पूजा करके नहीं गई थी मैं क्योंकि बहुत गड़बड़ हो रही थी, देरी हो रही थी स्कूल जाने के लिए। तो अभी मैं पूजा करती हूँ, पहले तो फ्रेश हो जाती हूँ, बाहर से आई हूँ और इतनी धूप चढ़ गई है ना, चटाकेदार धूप है। तो चलो फ्रेश होते हैं। देखिए ना फिर से फ्रेश हो गई अभी। और कैसा ना, बाहर इतनी धूप थी ना तो अच्छा ही नहीं लग रहा था धूप में घूम घूम कर। और हम लोगों को बहुत घूमना पड़ा, क्या हुआ जो बैटरी रहती है ना जिससे वो जो फाइन मिल है वो शुरू होने वाली थी, तो वो हुई नहीं, बैटरी ख़राब हो गई थी टाइम पर। तो फिर हम लोग फिर से गए मार्केट और बैटरी चेंज करवाए। तो पहले चेंज करवाने वाले थे लेकिन शॉप खुली नहीं थी, फिर दूसरी दुकान से हम लोगों ने परचेस कर ली। तो भूख भी लग गई थी हम लोगों को क्योंकि कुछ खा के नहीं गए थे, ऐसा लगा था कि जा रहे हैं तो तुरंत में हम आ भी जाएंगे। तो फिर भूख लगी तो फिर हम लोग वहाँ पर नाश्ता भी कर लिए। और फिर आरुषि के जहाँ प्रोजेक्ट था, आरुषि का जो एग्जीबिशन जहाँ लगा हुआ था वहाँ गए, वहाँ दिए बैटरी लगा दिए, चालू हो गई है उसका जो प्रोजेक्ट वो पूरा चल रहा है बराबर। अभी घर आया है तो अब मैं पूजा कर लेती हूँ। पूजा करके इसलिए नहीं गई थी क्योंकि गड़बड़ी हो रही थी और फिर गड़बड़ में पूजा भी अच्छा नहीं लगता है करना, तो फिर सोचा कि आने के बाद कर लूँगी। और मुझे ऐसा लगा तुरंत आ जाऊँगी लेकिन समय लग गया, तो कोई बात नहीं, ज़्यादा समय हुआ नहीं है, अभी भी समय है 12 बजने के ही है अभी। तो चलिए अभी कुछ बजाऊँगा, 11:15 कुछ क्या 11 बजाऊँगा अभी। चलिए पूजा करते हैं। तो अभी मेरा खाना हुआ है, मेरा खाना खाने में बहुत लेट हो गया क्योंकि काम चल रहे थे, कुछ कपड़े धोने के लिए डाले थे आज, तो बहुत लेट धुले। और उसके बाद फिर कुछ कॉल आ गया तो वो अटेंड किया और अभी जस्ट खाना खाया। और आज कैसा है, आज मुझे जाना था बैंक, कुछ काम था मुझे बैंक के लिए, तो फिर वो काम तो मैंने कैंसिल कर दिया। तो फिर उसके बाद एक काम था कि मुझे स्विफ्ट कोड चाहिए था, फेसबुक पे जो मेरा मोनेटाइजेशन है वो ऑन हो चुका है और उसके लिए स्विफ्ट कोड मांगा जा रहा है। तो फिर ये बात मुझे तो संडे को ही पता चली थी कि स्विफ्ट कोड डालना है, लेकिन उस दिन से समय नहीं मिल रहा था कि कब बैंक जाए और कब स्विफ्ट कोड ले। तो फिर आज ये गए और इनका अभी जस्ट मैसेज आया है, स्विफ्ट कोड मिल गया है डायरेक्ट। इन्होंने मैनेजर से बात करी बैंक के, तो बैंक के मैनेजर ने लिख के दे दिया, पूरे नागपुर डिवीज़न का एक ही स्विफ्ट कोड है तो मिल गया है। तब मैं वो स्विफ्ट कोड डाल दूँगी तो वो मोनेटाइजेशन मेरा ऑन हो जाएगा। तो अब देखते हैं, ऐसे करते करते भगवान सभी चैनल्स शुरू हो जाए तो अच्छा है मेरे। तो आरुषि भी आने की है और आरुषि खाना खा के आने वाली है क्योंकि वहाँ पे खाने की भी खाना भी देने वाले हैं। और आरुषि तो टिफ़िन लेके गई है, आज आलू के पराठे लेके गई है वो, और चटनी लीची वाली जो आलू के पराठे हैं उसके साथ खाते हैं तो वो अच्छी लगती है हम लोगों को, तो वही लेके गई है। तो जब हम लोग गए वहाँ पे तो वहाँ पे खाना बनाना शुरू हो गया था, तो फिर टीचर ने भी बोला कि खाना खा लो तुम लोग जल्दी जल्दी जो टिफ़िन लाए हो, और बाद में यहीं पे खाना है तो यहीं पे खा लेना। तो अभी 4 बजे के लगभग तो शायद से उसका जो प्रोजेक्ट है वो भी ख़त्म हो जाएगा, फिर वो आ जाएंगी। तो अभी
आयुषि बोल रही थी कि मम्मी आप लेने आ जाना, क्योंकि मेरी गाड़ी का ऐसा प्रॉब्लम है ना, एक तो इतने दिनों से बंद थी गाड़ी और अभी गाड़ी शुरू हुई है तो वो सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही है, किक मारना पड़ता है। तो उस दिन में जब मुझे मंदिर जाना था ना, तो उस दिन उसका पहला दिन था, उसको चालू कर रहे इतना देर लगी ना, चालू ही नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने बोला बेटा मेरा तो पॉसिबल नहीं है आना, क्योंकि गाड़ी चालू होती नहीं है और मुझसे तो होती नहीं है चालू, वो बहुत ही हार्ड होगी उसकी किक, तो उसे अभी और अच्छे से सुधारना पड़ेगा। तो आरुषि को बोला बेटा तुम जो पार्टनर है उसकी पापा के साथ आ जाना, तो आरुषि भी आ जाएंगी। तो हो गया, तुमने खा लिया आलू पराठा पूरी फिनिश की? अच्छा ठीक है, तो अभी आरुषि आएंगी तो आने के बाद मिलाती हूँ मैं, क्या हुआ क्या नहीं। तो चलिए, तो अभी 4:30 बज गए हैं और आरुषि भी स्कूल से आ गई है। तो कैसा रहा आरुषि वहाँ का? अच्छा था, एक सर मैम थी, उनने सबके देखे कैसे प्रैक्टिकल बनाए, और पहले जो एक दो क्लासेस थे उन्होंने अच्छे से ऑब्जर्व किए, पर फिर वो भी थक गए थे ना, तो उन्होंने फिर थोड़ा जल्दी जल्दी में सबके निपटाए, हमारा भी देखा अच्छा है बोले, और भी अच्छे से मतलब लगाया बोले, पर ये भी बोले कि वो हम ऐसे ओपन स्पेस में लगा सकते ना घर के आसपास में, उसको ओपन स्पेस में लगाएंगे बोले। अच्छा, और उसके लिए हवा भी कम लगे, उसके लिए हवा भी बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा बोले हवा का, ऐसा बोल रहे थे। और कैसा है ना वहाँ पे प्रोजेक्ट, सॉरी मॉडल्स बहुत सारे थे, 90 के अराउंड थे वहाँ पे, और इनका कुछ नंबर 43 के समथिंग कुछ था। तो इसके वजह से कैसा ना, स्टार्टिंग में हर किसी का अच्छे से देखा जाता है लेकिन बाद में लोग थक जाते हैं। वैसे कल भी, अभी आरुषि का कल और जाने वाली है ना, 11 बजे कल जाने वाली है आरुषि। तो बस अभी आरुषि आ गई, आराम करेंगी। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड कर रही हूँ। तो जो भी चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।